झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अरे भैया ये कैसा झुका होता कि कौन झुका दिया आपको? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। किस चीज के तले आप झुक गए? कितने में डील हुआ पूछिए जरा कुंटू बाबू से। आपने कहा था जरूरत पड़ी तो मैं मोदी जी का और योगी जी का खड़ाऊं को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। क्या कुंटू बाबू मोदी जी का और योगी जी का खड़ाऊं भुला गया या चोरी हो गया? बड़ी घोषणा आपने की थी, जो लोग आपके समर्थक थे 2.5 लाख नहीं जितने भी थे उनको अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। अगर कार्यकर्ताओं ने आपको फोन किया था, राष्ट्र प्रथम, कार्यकर्ता प्रथम का नारा देकर आप मैदान में कूदे थे, अगर उन्होंने दिया था तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तो आप डाउन किए हैं। तो क्या हुआ, एक दिन में उन लोग कहां चले गए? कल आपके चैनल में न्यूजीलैंड में रॉडी राठौर बन के स्टाइल में आए हुए थे कुंटू बाबू। शुभेंदु सिंह पूछ रहे आज क्या हो गया भाई साहब। आज जैसे ही तस्वीर को डाला गया तो बहुत सारे लोग बहुत सारा तारीफ कर रहे हैं, आपका कॉमेंट कर रहे हैं। पहला राजेश गोल्डी जी है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा निर्णय, बधाई आपको। दूसरा यादव अजय है, इन्होंने कहा आपने सही किया। विशाल सिंह है, अच्छा किया, आपको छोटे भाई कह रहे हैं कि छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूजीलैंड में। और जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू, भारतीय जनता पार्टी के कल तक के वरिष्ठ बागी नेता। बागी इसलिए क्योंकि इन्होंने कल नामांकन पत्र खरीद लिया था और आपको जैसा कि जानकारी है कि एनडीए ने अपने प्रत्याशी का घोषणा कर दिया था, इससे ये बागी के रूप में आ गए। रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबूजी, आखिर 2.5 लाख जनता का दावा करने वाले कि आपके साथ थे, 2.5 लाख जनता, कई काम का आपने बखान किया, उसके बाद एकाएक ऐसी क्या परिस्थिति आन पड़ी कि आप मेल मिलाप में आ गए, फिर से दोस्ती कर ली? सबसे पहले तो सबको जोहार, जय श्री राम। और विनीत जी आपको भी मैं नमस्कार करता हूँ, आपके चैनल को भी देखता रहता हूँ। आप भी बहुत योग्य पत्रकार हैं, लेकिन एक सवाल आपका बहुत गलत है, जो कल तक आप बागी थे। मैं बागी कभी नहीं हुआ। नामांकन पत्र खरीदना बागी नहीं होता है, नामांकन पत्र खरीदना एग्जामिनेशन की तैयारी होती है। हम आपको काटेंगे। बताइए, शीर्ष नेतृत्व का फैसला, आप कहते हैं कि शीर्ष नेतृत्व का फैसला सर्वोपरि होता है। आपने 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 अपने बड़ी तादाद में लोगों का, आपने कहा था, हम पूरे लाइन का आपका कोट किए हुए, कल तक आप राष्ट्र प्रथम और कार्यकर्ता प्रथम का नारा लगाकर मैदान में कूद गए थे और कहा था कि 2.5 लाख जनता हमारे साथ है, हमने बहुत सारे काम को किया है, इसलिए हम चुनावी मैदान में आ रहे हैं। तो क्या हुआ, एक दिन में उन लोग कहां चले गए? बिल्कुल बिल्कुल, आज भी राष्ट्र प्रथम का नारा है, 2.5 लाख कार्यकर्ता हमारे देवतुल्य यहां पर वोटर्स हैं। और कल तक जो हमने कहा, मैं आज भी वही बात दोहरा रहा हूं, आज मैं सब कार्यकर्ताओं के हित के लिए उनकी आवाज बन के हमने नामांकन पत्र को खरीदा था सुमित भाई, और उसके पीछे कारण था जो हम लोग, आप हमारा एक इंटरव्यू देखे होंगे, उस इंटरव्यू में हमने कहा था जो दल तो मिलता है लेकिन दिल नहीं मिलता है। मैं फिर उसी बात को दोहरा रहा हूँ, और इसी विषय पर हमने चर्चा की और चर्चा करके हमने ये कहा जो हमारे जो यहाँ पर वोटर्स हैं, जो भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोटर्स हैं, चुनाव जीतने के बाद क्या आप आसू के विधायक होंगे या आप एनडीए के विधायक होंगे, आप ये मुझे बताएं। हमने उनके समक्ष जो बातें रखी वो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारा 2-4 डिमांड है, वो डिमांड क्या है, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं उस कार्यकर्ता को साथ लेके चलने की एक नीति बनाई जाए, एक समन्वय समिति बनाई जाए, जिसके तहत आने वाले समय में हम लोग इस विधानसभा को अच्छे से चला सकें और यहाँ के एक एक मतदाता जो एनडीए के पक्ष में अपना मतदान करते हैं, करते आ रहे हैं या आने वाले आगामी चुनाव में करेंगे, उनके हित को देखते हुए हमने ये नामांकन खरीदा था। और नामांकन पत्र जमा नहीं करने के पीछे कारण है, चूँकि हम अपनी बात कैसे अपने प्रदेश नेतृत्व को बताते और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और गिरिडीह से हमारे जो सांसद हैं चंद्र प्रकाश चौधरी जी, उन तक बात रखने के लिए हमने ये नामांकन पत्र लिया। अगर हम नामांकन पत्र नहीं लेते तो शायद इतनी गहराई से इन बातों पर चर्चा नहीं हो पाती। बहुत लंबा आप घुमा दिए, इतनी भूमिका बनाने की या फिर नामांकन पत्र, आप कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के, अगर रामगढ़ के
नेताओं के बीच में गिना जाए तो सांसद महोदय भी जब पूर्व के थे आपको सांसद प्रतिनिधि बनाने का काम किया। चौक चौराहे पे कहीं भी जाइए तो रणजय कुमार कुंटू बाबू का पोस्टर लग जाता है। आप कहते हैं कि उनसे बात करने के लिए आपको इस तरह का भूमिका अदा करना पड़ गया। बहुत बड़ी घोषणा आपने की थी, जो लोग आपके समर्थक थे 2.5 लाख नहीं जितने भी थे उनको अंदर एक उम्मीद जाग गई थी। अगर कार्यकर्ताओं ने आपको फोन किया था, राष्ट्र प्रथम कार्यकर्ता प्रथम का नारा देकर आप मैदान में कूदे थे, अगर उन्होंने दिया था तो कहीं ना कहीं उनके मनोबल को तो आप डाउन किए हैं। बिल्कुल नहीं, हमने इसलिए नामांकन पत्र लिया जो उसके बाद हमारे वोटरों का क्या रिएक्शन होता है। बहुत लोग अप्रिसिएट भी किए और बहुत लोग बोले जो भैया हम लोग 5 साल से जो हेमंत सोरेन की ये सरकार है उससे हम लोग पीड़ित हैं, जो कृपया करके हम लोग अपने राष्ट्र हित में और अपने राज्य हित में हम लोग कोई ऐसा काम ना करें जो पुनः हेमंत सोरेन की सरकार बनने का मार्ग हम लोग प्रशस्त खास करके नहीं। ये तो एक दिन पहले आपको ठीक है, चलिए नहीं हाँ, हाँ। ये एक दिन पहले नहीं, ये जब बात निकलती है तो बात होती है। हमने उसी बात को लेके और मैदान में गए थे ये सोच के जो साहब सामने जो हमारे पार्टी हैं, जो हमारे एलाय पार्टनर हैं, उन तक ये संदेश हमको देना है, अपने कार्यकर्ताओं की बात को उन तक रखना है, उसके लिए हमने नामांकन पत्र खरीदा था और उन्हीं के हित को ध्यान में रख के हमने वो नामांकन पत्र जमा नहीं करने का फैसला हमने आपसे पूछा भी था कि क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे, किसी संगठन से लड़ेंगे, और आपसे हमने यशवंत सिन्हा के पार्टी का भी जिक्र किया था कि उनका भी चर्चा चल रहा है, तो आपने सिरे से खारिज किया था। आपने कहा था कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से प्रभावित हूं और जरूरत पड़ी तो मैं मोदी जी का और योगी जी का खड़ाऊ को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। क्या कुंटू बाबू मोदी जी का और योगी जी का खड़ाऊ भुला गया या चोरी हो गया? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर उस दिन हम सब बात आपको बता देते तो आज आप हमारे पास पूछने ही नहीं आते, इसलिए मैं आपको बता दूं उस दिन इसलिए हमने बोला था कि मुझे आगे ये स्टेप लेना था, इसलिए हमने आपको बोला था। मैं बेबाक और अपनी बात पर अडिग हूँ, जो मैं गलत नहीं बोलता हूँ। हमने जो आपको कहा था अपनी बात को रखने के लिए हमने ये स्टेप लिया और अपने कार्यकर्ता के हित में ये स्टेप हम लिया और अपने पार्टी के हित में लिया और राज्य के हित में ये स्टेप लिया। आगे क्या करेंगे? आगे NDA की सरकार बनेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, उसके लिए हम लोग मैदान में डट जाएंगे और यहाँ के जो NDA प्रत्याशी हैं आदरणीय सुनीता चौधरी जी उनको जिताने का काम। कंफर्म है चुनाव अब नहीं लड़ेंगे? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। नामांकन पत्र वाला जो था वो चैप्टर क्लोज, चैप्टर क्लोज। चलिए, आपके जैसे ही तस्वीर को डाला गया तो बहुत सारे लोग बहुत सारा तारीफ कर रहे हैं, आपका कॉमेंट कर रहे हैं। पहला राजेश गोल्डी जी है, उन्होंने लिखा बहुत अच्छा निर्णय, बधाई आपको। दूसरा यादव अजय है, इन्होंने कहा आपने सही किया। विशाल सिंह है, अच्छा किया, आपको छोटे भाई कह रहे हैं कि छोटे भाई को बहुत बहुत शुभकामनाएं। NDA को मजबूत करने की जरूरत है और झारखंड में डेमोग्राफी को बचाना है तो बहुत अच्छी बात। मैं तो पहले ही से जानता था। विनोद मिश्रा जी, धीरज कुमार साहू बिल्कुल सही फैसला किया, फैसले का समर्थन करता हूं, जय श्री राम, बहुत अच्छी बात। एक और आदमी है, 200 वोट आ ही जाता, पहले से पता था कि भैया यही करेंगे। और यहां पर सत्यजीत चौधरी जी, यहां पर आपके सामने, इन्होंने कहा था कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। भैया ये कैसा झुका होता कि कौन झुका दिया आपको? झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, किस चीज के तले आप झुक गए? भाई साहब ये इस कमेंट पर हम नहीं जाते हैं, जो लिखे उनका भी धन्यवाद, जो नहीं लिखे उनका भी धन्यवाद, जो अच्छा लिखे उनका भी धन्यवाद और जो बुरा लिखे उनका भी हृदय से धन्यवाद। अभी बहुत कमेंट आया, बहुत सारे लोग तारीफ किए हैं, एक दो लोग आपसे। भाई साहब राजनीति में ताली भी मिलता है और गाली भी मिलता है, मैं दोनों को सब स्वीकार करता हूं। एक दो कमेंट और हैं, जो लोग आपसे अब कुछ सवाल, बधाई का दौर था, अब कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। कितने में डील हुआ पूछिए जरा कुंटू बाबू से। ये है मनोज पटेल जी, जिनके आंख पर जैसा चश्मा लगेगा जिस कलर का वही कलर दिखाई पड़ेगा। भाई साहब हम इस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहते। पूछ रहे हैं कल आपके चैनल में न्यूजीलैंड में रॉडी राठौर बन के स्टाइल में आए हुए थे कुंटू बाबू। शुभेंदु सिंह पूछ रहे हैं आज क्या हो गया भाई साहब? आज भी मैं उसी रोल में हूँ, हमारे कार्यकर्ता से आप पूछ लीजिए। और मैं आपको बताता हूँ, जो आने वाला समय जब आप देखेंगे, जो हमारी जो सरकार बनेगी, हमारे जो विधायक बनेंगे, हमारे जो विधायक बनेंगे, और दोनों भाजपा और आसू के कार्यकर्ताओं का जब मिलन होगा तो एक अद्भुत विधानसभा का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और अपने कार्यकर्ता के हित में ही मैं ये स्टेप लिया हूँ और राज्य हित में ये स्टेप लिया हूँ।
है ना, मतलब बिके नहीं है, टिके हैं। भाई साहब आप जो चश्मा से देख रहे हैं, आपके लोग पूछ रहे हैं, माल मिल गया होगा। ये लोकतंत्र है भाई, चौकीदार चोर है राहुल गांधी बोल दिया, उससे क्या हो जाता है, चौकीदार को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, लगातार जनता उसको जिता के और देश की बागडोर उसके हाथ में दे चुकी है जनता, और आने वाले समय में भी देगी। जिनको जिस एंगल से लिखना है, मैं सबों के बातों का स्वागत करता हूं और आदर करता हूं, और मैं अपने बात पर अडिग रहूंगा जो एनडीए की सरकार बनेगी और सुनीता चौधरी यहां से विधायक बनेगी। और कमर कस के आप तैयार हैं कि एकदम मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। कुंटू बाबू, रणजय कुमार और कुंटू बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने नॉमिनेशन करने के लिए नामांकन पत्र खरीदा, लेकिन इन्होंने अपने शीर्ष नेतृत्व के आदेशों का और झारखंड में इनको भाजपा की सरकार बनानी है, उन तमाम बातों को लेकर इन्होंने फैसला लिया कि ये एनडीए के साथ जाएंगे। एनडीए ने जिन्हें भी प्रत्याशी चुना है उनके साथ ये कदम से कदम मिलाकर एनडीए सरकार को मजबूत करने का काम करेंगे, और झारखंड में भाजपा मतलब भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की सरकार बनाने के लिए कमर कस के ये तैयार हैं, और रामगढ़ में तो सुनीता चौधरी को ये पक्का ला ही देंगे। बिल्कुल लाएंगे भाई। धन्यवाद।